even get to cross. कैसे आप सब, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं मसल्स ऑन व्हील्स। सो कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है, टाइटल पे अपने लिखी लिया स्मार्ट जनता। सो इसके ऊपर ट्रेनबॉल है ना, ये कोहो फार्म बाय कोहो फार्मा। सो ये ट्रेन ई है। सो इसके ऊपर वीडियो होने वाली है आज की। एक बार मैं थोड़ा नीचे कर लूँ। सो हाँ, ट्रेन के ऊपर एक वीडियो होने वाली है, ट्रेन ई के ऊपर। सो इस वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा अलग इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, देख सकते हो। सो ये ट्रेन ई करता क्या है, ठीक है, इसकी साइकिल क्या होती है, ये किस काम में यूज़ आता है, अब देख रहे हो ये वाइल होती है इसकी। सो आई थिंक ये थोड़ी खाली हो गई है, आई थिंक बट ये डार्क येलो कलर का होता है, बहुत डार्क होता है, ऑयल बेस्ड होता है, बहुत डार्क होता है। जब ये बॉडी में इंजेक्ट होता है तो दर्द भी करता है काफ़ी, बहुत डार्क होता है। सो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सो ये एक लॉन्ग एस्टर है, ट्रेनबोलिन एसिटेट भी आता है, ट्रेनबोलिन एच भी आता है, उसको पैराबोलिन भी कहते हैं, और ट्रेनबोलिन ई भी आता है। सो ये एक लॉन्ग एस्टर है, 200 mg में आता है। इसकी डोजेज भी मैं आपको बताऊँगा, बारे में भी बताऊँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो या और किसी की वीडियो देख रहे हो रिगार्डिंग कोई भी ड्रग या कोई भी स्टेरॉइड, सो अगर आपको चार चीज़ अच्छी बताता है तो चार चीज़ बुरी बताता है। तो आप चार चीज़ अच्छी होने के बजाय ना ड्रग्स के मामलों में, तो चार चीज़ जो बुरी हैं उनकी तरफ जाया करो। ये नहीं कि किसी ने बोला कि जिससे बॉडी बन जाती है ऐसे मसल अच्छे हो जाते हैं या कुछ भी, सो आप कोई भी चीज़ ले लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेन है, स्पेशली जो ट्रेन है, ये तो मैं साइड में रख दूँ, इसको सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं कि बस किसी ने एब्स निकालने हैं, किसी ने मसल ग्रोथ करनी है, या किसी ने छोटा मोटा कोई मैन फिजिक कॉम्पिटिशन भी खेलना है, वो यूज़ ना करे तो अच्छा है। ये सिर्फ वो यूज़ करते हैं जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं। सो मेरे पास कुछ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं जिनका प्रोफेशन ही बॉडी बिल्डिंग है, जो बॉडी बिल्डिंग से ही पैसा कमाते हैं, और उन्होंने आगे जिम चलानी है या उन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन खेलने हैं। सो ये उनके लिए ही है, कोई भी ट्रेन एस्टर हो गया, ठीक है। सो मेक श्योर इसको आप ना ही लो तो अच्छा है। कोई भी नया लड़का हो, कोई भी पुराना लड़का भी हो जिसको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, तो ट्रेनबोलॉन उसके लिए नहीं है, चाहे वो एनएनथेट हो, ई हो, कोई भी हो। तो बहुत सारे एस्टर आते हैं, बट ये बहुत ही डेंजरस है। मैं आपको बता दूँ पहले इसका साइड इफेक्ट बता दूँ, इफेक्ट्स भी इसके हैं, पर इसके साइड इफेक्ट मैं आपको बता दूँ। किंग ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता, ठीक है। ट्रेनबोलॉन के ऊपर इसमें काफ़ी सारी वेराइटीज़ आती हैं, तो इसके ऊपर कुछ नहीं आता। सो इसके साइड इफेक्ट में लिवर टॉक्सिक, किडनी टॉक्सिक, हार्ट रेट बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, बहुत सारे इसके वो टॉक्सिक है, टॉक्सिसिटी बॉडी लेवल में, बॉडी में बढ़ा देता है। सो फर्स्ट जो लिवर है वो आपका ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती लीवर में। अगर लीवर डाउन भी है 10-20% पे भी है, उस पर भी रिकवर मारता है। पर एक वो ये एक ऐसी चीज़ है, किडनी ही एक ऐसी चीज़ है जो रिकवर नहीं करती इतनी जल्दी। सो जो चीज़ किडनी को ख़राब करती है ना, वो चीज़ डेफिनेटली आपकी बॉडी को हार्म करती है। सो मेक श्योर जो भी किडनी टॉक्सिक चीज़ें हो आप उसको ना लो, उससे बहुत बुरी चीज़ें होती हैं। सो अगर ये किडनी टॉक्सिक बहुत ज़्यादा है, हाई लेवल पे, हाई ब्लड प्रेशर, हाईली किडनी टॉक्सिक, हाईली लीवर टॉक्सिक, सो इसके तो साइड इफेक्ट में ये है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, बाल झड़ जाते हैं, सर के बाल झड़ जाते हैं, हाथों के, छाती के, जहाँ पे बॉडी में एक्सेस ग्रोथ होती है बालों की वो झड़ जाती है, हेयर ग्रोथ कम हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं, तो काफ़ी सारे बॉडी भी थोड़ी थोड़ी येलोइश हो जाती है। मगर वो भी किसी किसी पर डिपेंड करता है, हर किसी पर ये साइड इफेक्ट नहीं होते, पर हर किसी पर लीवर, ब्लड प्रेशर और किडनी टॉक्सिसिटी तो दिखाएगा ही दिखाएगा। और इससे भी बचने के तरीके हैं, पर वो मैं ना ही बताऊँ तो अच्छा है, क्योंकि ये ना ही यूज़ करो तो अच्छा है। उसके यूजेस में जो उसको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं, तो उसमें पाया जाता है मैसिव इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। सो आपकी स्ट्रेंथ देखते ही देखते बढ़ेगी कुछ ही दिनों में, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी गेन कर देता है, मसल साइज बहुत अच्छा गेन कर देता है, लीन मसल मास क्वालिटी बहुत अच्छी कर देता है, इवन दो आपके रेड ब्लड सेल्स जो, और ये उनको भी लगाया जाता है, बॉडी बिल्डिंग में तो छोड़ो, ये उनको लगाया जाता है, तो गायें भैंसें जो बुल फाइटर होते हैं या घोड़े होते हैं जो दौड़ते हैं, उनकी मसल्स के लिए जो कुत्ते हैं पिटबुल वगैरह होते हैं, तो उनको भी ट्रेन लगाया जाता है, पर उनकी डोजेस आई डोंट नो उनको क्या डोज लगती है, पर उनको भी ट्रेन चीज़ लगाई जाती है जो जानवरों पे ये हाईली यूज़ होता है, जो बुल्स होते हैं, बुल फाइटर होते हैं, या जो घोड़े होते हैं जो दौड़ते हैं, तो उनको ये यूज़ होता है मसल्स ग्रोथ के लिए। तो मैसिव स्ट्रेंथ, मैसिव मसल ग्रोथ, लीन मसल ग्रोथ, इवन दो ये ऐसा है अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे भी हो, आपका मसल लॉस होता है, तो मसल लॉस नहीं होने देगा, ठीक है।
अगर आप आपकी डाइट भी अच्छी नहीं है, आप डाइट में भी कुछ भी खा रहे हो, तो आपका मसल लॉस नहीं होने देगा। और फर्स्ट थिंग, अगर आप में से कोई भी इसको यूज़ कर रहा है, कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी यूज़ कर रहा है, अगर आपकी प्रोटीन डाइट हैवी नहीं है, मतलब आपकी प्रोटीन इंटेक ज़्यादा नहीं है, सो ये वेस्ट है, ये विदाउट प्रोटीन काम नहीं करता। आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी, उसके हिसाब से इसके रिजल्ट आएंगे। आप सोचोगे ये लगा लेंगे तो बॉडी बन जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। हाई प्रोटीन डाइट मतलब सीरियसली हाई प्रोटीन डाइट, सो मसल वॉल्यूम बहुत अच्छी कर देता है, लीन मसल मास बहुत अच्छा कर देता है, गेनिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये ट्रेन एनन थिएटर लॉन्ग एक्सचर होता है, 14-15 दिन, 10 से 15 दिन आपकी बॉडी में रहता है, एक एसिटेट भी आता है, वो कम दिन रहता है। सो बहुत अच्छी प्रोटीन सिंथेसिस लेवल आपकी बॉडी में बढ़ा देता है। और आपका जो क्रिएटिन अब्जॉर्प्शन है बॉडी की, प्रोटीन क्रिएटिन सिंथेसिस, उसको भी इंक्रीज़ कर देता है, आपके रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज़ कर देता है। एंड आपका जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं उनको भी इम्प्रूव कर देता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी अच्छी कर देता है, ठीक है। सो आप अच्छे तरीके से खाना पचा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जो ग्लाइकोजन मसल ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं ना, और उनकी जो सिंथेसिस वो होती है, चेन होती है, उसको भी इम्प्रूव कर देता है। मतलब आप अच्छा मील खाओ, अच्छे कार्ब्स खाओ, सो थोड़े से भी आप इधर उधर बैड कार्ब्स भी खाओगे तो वो भी आपकी मसल्स पे ही जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ आप चीट मील भी कर सकते हो। सो आपका प्रोपर हाई प्रोटीन होना चाहिए। चीट मील में आप कार्ब्स में थोड़ा पिज्ज़ा भी खा सकते हो, कभी कभार सैंडविचेस भी खा सकते हो, या जो आपको मन हो, आप हफ्ते में इसके साथ एक चीट मील भी कर सकते हो। सो आपकी बॉडी में बिल्कुल फैट नहीं चढ़ने देगा, और जो भी फैट स्टोर्स होते हैं आपकी बॉडी में, कहीं पर भी आपकी बॉडी में कहीं पर भी कितना भी फैट है, सो इसको जड़ से ख़त्म कर देता है, उसको निकाल के बाहर फेंकता है, चाहे वो एनन्थेट हो, चाहे वो एसीटेट हो। उसको ये कुछ खासियत है, पर इसके नुकसान लिवर टॉक्सिक, किडनी टॉक्सिक, हेयर लॉस, और आँखों से थोड़ा दिखना भी कम हो जाता है, आँखों की रोशनी भी थोड़ी कम हो जाती है, आपको पास का थोड़ा ब्लर ब्लर दिखने लगेगा जब आप पढ़ने लगोगे। सो ये सारी चीज़ें इनके काफ़ी नुकसान है, सो मेक श्योर इसको ना ही लें। वो जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर लेते हैं, तो 200 mg का है ये। इसकी डोजेज आप 400 mg तक ले सकते हो, मतलब हफ्ते में आप 2 बार लगा सकते हो, 2 दिन छोड़ के। लाइक आपने आज लगाया तो 2 दिन छोड़ के, आप मंडे लगाया तो आप वेनेसडे या वेनेसडे थर्सडे लगा सकते हो, वेनेसडे भी लगा सकते हो। तो 400 mg से इसकी इंक्रीज डोज ना करें। और ये एस्ट्रोजन में भी इसकी एक खासियत है, एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट नहीं होता, पर फिर भी ये आपको गायनो दे सकता है, ठीक है। सो ये ऐसी चीज़ है। और मेरी तो ये होगी कि सिर्फ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं, कोई भी बच्चा हो, कोई भी लड़का हो, 13 जो भी 18-19 साल के, 25 साल तक के, 26 साल तक के, जिनको कोई रिकमेंड करे कि भाई ट्रेन ले लो, ट्रेन से ये हो जाता है, वैसे हो जाता है, सो आप ट्रेन ना लो। सो अगर आप ट्रेन एनन्थेट स्पेशली, क्योंकि लॉन्ग एक्सचर है, तो मैं तो यही कहूँगा। बल्कि मगर इसके इफ़ेक्ट्स जो प्रो बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं, लाजवाब है, किंग ऑफ ऑल स्टेरॉइड है। मतलब फैट नहीं स्टोर होने देता बॉडी में, मसल अच्छा कर देता है, ग्लाइकोजन लेवल, जो ग्लाइकोजन अब ये किसी को जल्दी, और इसके इफेक्ट तो दिनों में आते हैं, ये भी नहीं कि आप पूरी 3 महीने की साइकिल चलाओ, और इसके इफेक्ट तो दिनों में आते हैं ऐसे, ठीक है। और कोई मेरे से पॉइंट मिस हो गया तो मैंने लिख रखा है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हाईली एनाबॉलिक, रैपिडली लीन मसल मास ग्रो करवाता है आपको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो पोस्ट साइकिल, जैसे आपकी साइकिल ख़त्म हो गई तो लोग मसल रिटेन नहीं कर पाते, तो सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ट्रेन के ही आप गेंस और मसल्स रिटेन कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स बढ़ा देता है, एरोमेटाइज नहीं होता, स्ट्रेंथ और गेन मसल साइज बहुत बढ़िया कर देता है, ठीक है। और मसल हार्ड कर देता है, एज वेल एज शार्प भी कर देता है, एज वेल एज नसें भी आ जाती है आपकी बॉडी में, लाइक आपका बाइसेप्स और लेग्स हो, नसों और नसों के लिए, वेन्स के लिए काफ़ी अच्छा है, मस्कुलर वस्कुलर के लिए। और एंटी कैटाबॉलिक क्वालिटीज़ है इसमें, एनाबॉलिक रेट इसका काफ़ी हाई है। और बस इसमें जो मैंने बताया वही सारे मैंने पॉइंट बता दिए हैं, लिवर टॉक्सिक है, हाईली लिवर टॉक्सिक है। और ये भी वैसे अकेला नहीं चलता, वो भी अगर गेनिंग पे, उसके साथ डेका बोल्डी बोल्डी चला सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट है। और कटिंग में हो तो ट्रेन एसिटेट चलता है, सुधार और विंस्टॉल प्रोपोनेट हर चीज़ ला सकते हो। ऑल दो उसकी पीसीटी में आपको वही है, पीसीटी चाहे कोई भी स्टीरॉयड हो, उसकी पीसीटी के लिए लाइक, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन सप्रेस करती है हर हर ज़्यादातर सारी स्टीरॉयड, और हार्मोन इंबैलेंस कर देती है। तो HCG, इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, HCG, क्लोमिड, प्रोविनोरम। आप बीच में साइकिल, जैसे आप कोई ट्रेनबोलोन लो या कोई भी लो, तो बीच में साइकिल में आप प्रोविनोरम जरूर डालो, दूसरे हफ्ते में ही, ठीक है। प्रोविनोरम और टमेक्सोफिन लाइक नॉल्वोडेक्स, सो आप ये यूज़ करो। सो मिनिमम साइड इफेक्ट होते हैं,
और पोस्ट साइकिल तो ज़रूर करना चाहे, और पोस्ट साइकिल कोई मेरे को बंदा नहीं बोला कि मैंने को 6 महीने हो गए स्टेट चलाया मैंने पोस्ट साइकिल नहीं करी, 6 महीने के बाद कोई ज़रूरत नहीं होती PCT करने की, अपने आप बॉडी रिकवर कर जाती है, चाहे वो लो टेस्टोस्टेरोन हो चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है। पर फिर भी एक बार टेस्ट करवा लियो, करवा लेना चाहिए, चाहे LFT KFT फुल बॉडी चेकअप हेल्थी आंस पे करवा लो, काफ़ी सस्ते हैं और घर आके चेकअप कर जाते हैं। तो यही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में कुछ पूछना हो तो पूछ लो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, सत श्री अकाल। यार नी आओ कतीड़ा ना यराने पाके शेर नहींयो टकी दे, जे चुप मुरो बंदा ता भलेखे नहींयो रखी दे।